नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच में है मोदी जी। अब मैंने मोदी जी का नाम लिया तो आप सोच रहे हैं कि इस चैनल में मोदी जी कैसे आ गए। दोस्तों इस चैनल में भी मोदी जी आ सकते हैं। मैं आप जिससे जो कह रहा हूं मजाक नहीं कर हकीकत कह रहा हूं। और साथ में जो हमारे सहयोगी हैं एडवोकेट राकेश माले जी भी हैं। तो मैं जो हमारे मोदी जी हैं मैं चाहता हूं उनके बारे में मैं परिचय देता हूं। हाँ, तो मेरे जो राकेश माले जी मेरे जो सहयोगी हैं एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता वो उनका परिचय देंगे। राकेश जी स्वागत है आपका। परिचय साथियों, जिस शख्स से हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिनसे बात करा रहे हैं, वो है देश के फ्रीडम फाइटर 90 प्लस ओल्ड एज के डॉक्टर कृष्णा मोदी जी, जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, इस देश की धरोहर है। और इनका एक बड़ा इतिहास है। इन्होंने मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे और लगातार जो है मजदूरों की आवाज को बुलंद करते रहे। आज एक जाना मानी शख्सियत जो पूरे भारत के अंदर इनको लोग जानते हैं। और इनका खास मुद्दा है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और ये मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले, बेबाकी से अपना संविधान को मानने वाले और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति है। तो पासवान जी आप बात कर लीजिए, ये इनका परिचय है और बहुत बड़ा परिचय है मोदी जी का। मोदी जी मैं आपसे चाहता हूं कि आज जो देश की वर्तमान स्थिति चल रही है, देश में जो कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना के संकट के कारण जो देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, अचानक उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, कोई प्लानिंग नहीं की, जिसके कारण आज जो मजदूर वर्ग है जिनके लिए आप संघर्ष करते आए हैं, आज वो मजदूर वर्ग सड़कों पर चल रहा है, रेल की पटरी में सोने के लिए मजबूर है। आज आपने औरंगाबाद की खबर सुनी होगी कि 16 से ज्यादा मजदूरों की ट्रेन से कुचलने के कारण उनकी मौत हो गई, दर्दनाक हादसा हो गया, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। तो आप ऐसा है कि जो लॉकडाउन जो लगा जी, लॉकडाउन लगा अच्छी बात है, जनता के हित में लगाया गया कि कोरोना वायरस एक बीमारी है, ये सिर्फ भारत में या अपने सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में फैली है, इसलिए इसके उपाय तो होना चाहिए था। और ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए लॉकडाउन की योजना हमारे देश के अंदर बनाई गई जी। पर ये जो लॉकडाउन लगाए हमारे मोदी जी ने, ये जरा इन्होंने जो लगाया, जो टाइम फिक्स किया, अगर ये 4 दिन पहले आम जनता को आगाह करते कि भाई हम लॉकडाउन लगाने वाले हैं, जहां जो लोग जहां जहां हैं वहां से अपने अपने निवास स्थान को पहुंच जाए, तो आज ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती। लॉकडाउन लगा, ट्रेनें एक साथ बंद हो गई, बसों का आना जाना एक साथ बंद हो गया, लोगों का एक घरों से निकलना बंद हो गया पहले दिन। तो ऐसी परिस्थिति में आम जनता तो दुखित है, हम भी हैं, आप भी हैं, हर कोई दुखित है। परंतु ये दुख जो आने वाली समस्या है कोरोना वायरस, इससे कम ही है, इससे किसके सामने कोई कीमत नहीं करती इस दुख को। परंतु ये जो आज सैकड़ों लोग भूखे प्यासे महीनों से अपने अपने स्थानों पर हर प्रांत में पड़े हैं जी, इनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे आदमी 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में है जिनका ना कोई बैंक अकाउंट है और ना उनके पास पासबुक है। तो ऐसी हालत में जो सहायता मिल भी रही है ये बड़ी दर्दनाक है जी। मैं तो इसे दर्दनाक बोलूंगा। ये तो आज ट्रेन से कट गए या उनके जिनका स्वर्गवास हो गया जी। अरे कई लोग तो रस्ते में आते आते पैदल ही मर गए जी। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, उसके बाद राकेश जी मैं चाहूंगा कि आप भी प्रश्न कीजिएगा। पहला प्रश्न मेरा यह है, जो एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है, कि जो देश में जो संविधान है, संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है और सरकार से कहता है कि सभी नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे पूर्ति करे, लेकिन आज इस संकट के अवसर पे या इसके पहले भी हमने देखा है ये सरकार जो है संवैधानिक मूल्यों को तिलांजलि दे रही है, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम नहीं कर रही है और कुछ
अपने हिसाब से तानाशाही रवैये के साथ में काम कर रही है। आपने देश की आजादी लड़े, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। जब देश की जो आजादी लड़ने वालों ने क्या सपना देखा था कि आजाद जब भारत होगा और भारत का जब खुद का संविधान होगा, उसके बाद इसी देश के नागरिक सरकार के खिलाफ में झंडे बुलंद करेंगे, इसी देश के नागरिक सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ेंगे कि हमें ये सुविधा दे दो, हमें वो सुविधा दे दो। आप क्या सोचते हैं आज की स्थिति को देखते हुए और जिस समय आप लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए ऐसा है, अंग्रेजों को जिस समय हमारी लड़ाई चल रही थी उस समय की जो लड़ाई और उस समय की जो विचार अगर हम आपके सामने कहेंगे तो आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल, बताइए सर, बताइए। हमारे विचार या महात्मा गांधी के जो घोषणाएं थी ये था कि हम अंग्रेजों को बाहर करना है क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे देश में कोई कानून कायदा है नहीं, इसलिए कानून का राज हमारे देश में आए, ये हमारा मूल उद्देश्य था। हर एक व्यक्ति को रोजगार पाने का हक हो, हर एक व्यक्ति को नियमित उसके जीवन यापन के लायक वेतन मिले, हर एक व्यक्ति को परिवार को कम से कम निवास हेतु झोपड़ी या मकान मिल जाए, बच्चों की जड़ी शिक्षा शुरू हो जाए, पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक से रहे ताकि वो देश के लिए काम आ सके। इसके इस उद्देश्य के लिए हमारी ये लड़ाई थी और ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, देश के करोड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सन 42 का आंदोलन एक जबरदस्त आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने यह राष्ट्रीय कांग्रेस से नारा दिया था, करो या मत मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये दो नारे दिए थे। अब लोग जरूर कहते हैं कि ये अहिंसात्मक नारे थे, करो या मरो, अब इसके से आप खुद ही समझ जाइए और लोग समझ जाएं कि करो मरो ये अहिंसात्मक नारा नहीं था। हाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हमारा निवेदन था, पर उसके लिए करो और मरो कि किस प्रकार छोड़ो, ये आंदोलन हुआ, हमारे देश का संविधान बना। संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव साहब आंबेडकर जी की अध्यक्षता में ये संविधान रचित हुई, पर इसमें मुख्य भूमिका हमारे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी की थी। एक तो वो बैरिस्टर थे, कानून के ज्ञाता थे, विश्व के तमाम इतिहासों को उन्होंने अध्ययन किया था, कहाँ का क्या संविधान है ये इनको उन्होंने देखा था, पढ़ा था, इसके आधार पर उन्होंने जो सहयोग दिया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी, सोशल डिस्टेंसिंग, आप इसको क्या समझते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को? सोशल डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा ये, हाँ ये शब्द किससे क्या समझते हैं आप? नहीं ये शब्द तो ऐसा देखिए, ये पता नहीं अब बोलना नहीं चाहिए मुझे, नहीं बोलिए, लोगों ने अंग्रेजी की टांग तोड़ दी है। सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है सामाजिक दूरी, वही सामाजिक दूरी नहीं बनाना है हमको, इसमें हमको आपसे दूरी बनाना है। अब आपसे दूरी के लिए इन्होंने सोशल डिस्टेंस बोल दिया, मगर सोशल डिस्टेंस, सोशल शब्द ही गलत है अंग्रेजी के नाम पे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हैं अपने भाषण में या अपने विचारों में जो अंग्रेजी हो जाता है, तो अंग्रेजी के शब्द अलग हो जाता है, हिंदी अलग हो जाती है, इसे बहुत समझ जाते हैं, मगर जब उसको कार्य रूप में परिणत किया गया तो बोले ये भाई एक एक दूसरे से ये एक मीटर की दूरी रहना चाहिए, डेढ़ मीटर की दूरी रहना चाहिए। जी, ये आपसी दूरी का सवाल था, ना कि सामाजिक दूरी का। ये मेरी एक सवाल और मेरा
मोदी जी कि आप हाँ। तो मजदूरों के पूरी जिंदगी आपने मजदूरों की लड़ाई लड़ने में लगा दी, आज आप मजदूर आंदोलन को कहाँ पे पाते हैं इतने सालों में? देखिए हमारा जो मजदूर आंदोलन है, हमने मजदूरों के लिए संविधान के अंतर्गत ही हमने लड़ाइयां लड़ी, संविधान के अंतर्गत ही हमने मजदूरों के संगठन बनाए, और संविधान के अंदर और नियम के अंदर, क्योंकि हम जब आजाद हुए थे उस समय मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं थे, सिर्फ एक 1936 जो बना था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद फिर ये काम के घंटे, नौकरी की शर्तें, नौकरी से निकालने की शर्तें, अदालत का दायरा, ये सब कानून कायदे सब बने, हमारे मोदी जी का राज आया है। इस राज में मजदूरों की तो अब क्या बोले आपको, आज देखा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा जी, कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 12 घंटे यानी सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक दिन रहेगा, 12 घंटे का दिन, और 12 घंटे दुकान भी खुली रहेगी। अच्छा, ये आज शिवराज सिंह का आदेश है। अब 12 घंटे का दिन माने ये नहीं कहा उन्होंने कि 8 घंटे का दिन और 4 घंटे अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त काम, ये नहीं कहा, 12 घंटे। अब उसमें मालिक लोग जो हैं वो तो फायदा उठाएंगे ना जाए कि 12 घंटे काम करो भैया, और 12 घंटे का जो पैसा है, जो हमारे यहाँ मजदूरी है वो नियत है। जो देश के अंदर कानून को तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया है, कोई कीमत ही नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट जो है, जानना चाह रहा था कि आज हाँ। आप संविधान आजादी को 72 साल हो चुके हैं, हाँ। तो भारत के अंदर पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया है क्या, ये पूछना चाह रहा था। हमारे देश में पूरा संविधान अभी तक लागू नहीं है जी। देखिए अब संविधान को तोड़ बड़ोड़ के लागू करने के बाद दूसरा है, संविधान में राष्ट्रभाषा बन जाना चाहिए जी, मगर पार्लियामेंट के आधार पर उन्होंने राष्ट्रभाषा को अभी तक नहीं बनने दिया जी। 10 साल करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे 10 साल में हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो हमारे देश की जो सरकार है वही संविधान को मानने की तैयार नहीं है, और आपको संविधान को मानने के लिए बोला जा रहा है। मोदी जी, क्या अपनी सरकार जो नागपुर से चलती है संघ के कार्यालय से? जो भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, चाहे भारत ब्लॉक की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, ये सरकार अपने अपने कार्यालय जो है, कार्यालय के प्रधान कार्यालय में जो तय होता है उसी के आधार पर ये सरकारें चलती है। और भाजपा जो है डायरेक्ट बोलती है कि हम स्वतंत्र है, परंतु भाजपा आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो सुनी नहीं, हम आपको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन हमेशा करते हैं, आप हमारे सामने साक्षात हो, हमारे दर्शकों को आपने अपनी बातें बताई। अरे भाई, हम आपको सैल्यूट करते हैं दादा जी। नहीं, चलो जी, धन्यवाद।